बीमारियाँ स्किन की जनाब, उनके बारे में हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर अर्मिला के साथ। और इलाज तो हम बता रहे हैं, लेकिन इलाज से ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर हम थोड़ा बहुत एहतियात पे जोर दिया करें। तो अच्छी स्किन रखने के लिए तो नींद ज़रूर पूरी किया करें अपनी, और पानी ज़्यादा पिया करें, डाइट में फाइबर को ज़रूर रखा करें, सेब खाएं, जो ये फूल गोभी होती है ये बहुत अच्छी होती है फाइबर के लिए, और फ्रेश जूसेस पिया करें, तो वैसे ही छोटी मोटी जो मसाइल है ना वो दूर हो जाते हैं। और कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ सायरा जी। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम। कैसी है, कहाँ से कॉल कर रही हैं जी? मैं सायरा बात कर रही हूँ, खिलाड़ी धारचंद से जी। वेलकम टू आवर शो, क्या पूछेंगी जी? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी ना स्किन के ऊपर पिंपल्स आते हैं, वो ना थोड़ा मोटा, बहुत मोटा सा पिंपल होता है, और उसके अंदर ना मतलब उसके ऊपर कोई उसका मुंह या कोई सुराख नहीं बनता, बहुत अजीब सा होता है, और फिर वो ऐसा सा बढ़ता जाता है, और फिर थोड़े दिन के बाद ना वो अजीब सी स्किन से ना उपयोग करना शुरू हो जाती है। कुछ पूछेंगे? ब्रैकेट्स बनते हैं, इसके लिए मैं क्या करूं? मैंने एक तो क्रीम्स भी इसके लिए यूज की है, लेकिन सायरा का निशान भी रह जाता है। अच्छा, निशान भी रहते हैं सायरा। ब्लैक हेड्स भी होते हैं साथ इसके कि नहीं? नहीं, ब्लैक हेड्स नहीं होते। अच्छा, छोटे पस वाले दाने बनते हैं थोड़ा, वो मादा सा भरा होता है। ठीक है, पस वाले दाने होते। थैंक यू सायरा, आप हमारा उसके ऊपर स्किन ऐसे ना ड्राई सी होते करना शुरू हो जाती है। दवाई लगाती है उसके ऊपर? केरे मेडिसिन लगाती रही है। ठीक है, थैंक यू सायरा, आप हमारा जवाब सुनिएगा। अच्छा, ऐसा है कि जो एक्नी जो टाइप इन्होंने बताई है उसमें ये सिस्ट बन रही है, नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी है, जिसके अंदर बहुत मोटा सा दाना बनता है और ऊपर लगता है कि कुछ भी नहीं है और सब कुछ डीप है, अंदर की तरफ बहुत मोटी सी गुठली की तरह फील होता है और लगता है कि कुछ अंदर है, सिस्टिक सा फील होता है लेकिन निकलता नहीं है मोस्टली बाहर। तो इस तरह की एक्नी बहुत बुरी स्कारिंग भी देके जा सकती है, और साथ में जो बाकी पिंपल्स बन रहे हैं कि जिसमें पस्टूल्स बन रहे हैं, कि पस वाले दाने। अच्छा, डराए नहीं ना, ये बताएं कि इलाज है कि नहीं? इलाज बिल्कुल है। जो एक्नी का जो नॉर्मल एक साइकिल होता है, जिस तरीके से हम लोग उसकी दवाई स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वही जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वही स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खासा ज़्यादा सिस्ट बन रही हैं तो सिस्ट के लिए फिर आपको आना पड़ेगा क्लिनिक पर, इसकी लोकल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, सिस्ट को ड्रेन आउट भी कर सकते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स इसके अंदर स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी डल जाता है डाइल्यूट फॉर्म में, जो सिस्ट को जो है ना रिड्यूस कर देता है, अदरवाइज जिसके अंदर स्कारिंग का चांस होता है। तो ये दिखाना जरूरी है, ये दिखाना जरूरी है। और जैसा पहले एक्नी का इलाज बताया था, बेस लाइन जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वही स्टार्ट करें, ओरल मेडिसिन बताई थी और लगाने के लिए जो दवाई बताई थी वही ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक और जो करते हैं ना आप लोग के गलत स्किन के साथ जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, कि एक स्किन खराब हुई हो, ऊपर दाने शाने निकल आए हैं या इरिटेट हुई हुई है, ऊपर से आप लोग मेकअप भी करना है, फिर मेकअप भी कितनी कितनी देर रखा हुआ है, मेकअप भी नहीं देखा होता कि ये पुराना हो गया है, इसको चेंज करना चाहिए, मेकअप की भी एक्सपायरी डेट्स होती हैं। और स्पेशली जो लोग जिनको एक्नी होती है, वो जब अपने कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं तो वो भी पढ़ लिया करें, कुछ एक्नी के लिए स्पेशल कॉस्मेटिक्स होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है, इवन आपके सन ब्लॉक स्पेशल होते हैं, आपकी बेसिस वगैरह होती है, तो पीछे पढ़ लिया करें कि क्या ये एक्नी वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मेकअप या नहीं। जब आप दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो बढ़ जाती है जनाब बीमारी। और इस पर कॉलर है एक हमारे साथ मैमूना हरिपुर से जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे आंखों के गिरना हल्के हैं, तो ठीक तो वो जो है ना बिल्कुल, बहुत ज्यादा मेडिसिन वगैरह भी ली है तो वो ठीक नहीं हो रहे। ठीक, और आपकी एज एज क्या है? मैं पूछना है कि मैं क्या करूं कि वो ठीक हो जाए। मैमूना, उम्र क्या है आपकी? हेलो जी मैमूना, आपकी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 21 साल है। ठीक, थैंक यू सो मच, आप हमारा जवाब सुनिएगा। हाँ जी जी, एक तो मैमूना ऐसी बात है कि आप यंग एज ग्रुप की लड़की हो, अगर डार्क सर्कल्स हैं तो प्लीज़ ये देखें कि फैमिली में तो नहीं चल रहे, क्योंकि मोस्टली इस एज ग्रुप में इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता बंदा कि जी बहुत स्ट्रेस है या बहुत ज़्यादा आप खुदा ना खासा ब्लड लॉस की है या जिस तरह से बाकी और मसाइल होते हैं जिनके साथ डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, तो मोस्टली इस एज ग्रुप में होने नहीं चाहिए, हेल्दी एज ग्रुप में फॉल कर रही हैं, 21 ईयर्स एज है, तो देखें तो फैमिली में तो नहीं है। दूसरा, आई प्रोटेक्शन प्लीज़ मस्ट है, सनब्लॉक यूज़ करें, सनग्लासेस यूज़ करें अच्छी वाली, और इसके अलावा बाकी जो पहले भी बताया था जिस तरीके से कि थायराइड प्रोफाइल मस्ट है, आप देखिए एनीमिया तो नहीं है, बहुत ज़्यादा आपकी खून की कमी तो नहीं है जिस्म के अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाइट अच्छी रखें, और कोई भी आप अच्छी जो है विटामिन सी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, सन प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और अगर इवन बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा कलर में डिफरेंस है, तो माइल्ड सी जो एंटी पिगमेंट्री क्रीम्स होती हैं उसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, लाइक
एक महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए. जो जो भी एंटी पिगमेंट्री अच्छी मार्केट में अवेलेबल क्रीम्स हैं शी कैन यूज़ दैम. बिल्कुल सही. और एक और जो चीज़ होती है ना, जो हम सोचते नहीं हैं कि इसका कोई सेहत पे असर होगा, आंखें थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा टीवी ना देखें, आई साइट चेक करवाते रहें, और जो आपकी सही तरह से नींद पूरी नहीं होती ना, पूरी पूरी रात सेलफोन की फिक्र पड़ी होती है कि अभी SMS आना है. वो जो 5-5 मिनट की उठ के आपने अपने सेलफोन पर कभी टाइम देखना होता है, कभी SMS का इंतज़ार होता है ना, खुदारा रात को जब सोने लगें फ़ोन बंद कर दें. कोई क़यामत नहीं आएगी, जिसने बात करनी है वो सुबह भी कॉल आ जाएगी. तो ये जगराते जो है ना, ये शक्ल का बहुत सत्यानाश करते हैं. सोते कॉलर हैं और हमारे साथ, आइए हम बात करते हैं. जी ओकाड़ा से शमा जी, अस्सलाम वालेकुम. जी सर, मैडम आपने मेरी मैडम से बात करनी है. जी बेटा पूछें, आप क्या पूछेंगे. जी मैडम, मेरे ना चेहरे के ऊपर ना ब्राउन कलर का तिल है, तो अगर उनका कोई हाइलाइट प्लीज आप बता सकते हैं. जी ब्राउन कलर के जो तिल हैं वो आपके किस जगह पर हैं चेहरे पर, पूरे चेहरे पे स्प्रेड हुए हुए हैं. हेलो. हाँ जी, तिल आपके पूरे चेहरे पे स्प्रेड हुए हुए हैं या सिर्फ खास मखसूस जगह पर? नहीं, खास मखसूस जगह पे हैं. कहाँ है बेटा, थोड़ा बता दो. चीक्स के ऊपर हैं, नाक पर हैं? जी नाक पर हैं, गले पर हैं और माथे पर हैं. अच्छा, इलाज करवाया अभी तक आपने कोई या नहीं? नहीं करवाई थी, ट्रीटमेंट ली थी मैंने डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जी मेडिसिन इस्तेमाल करें तो खत्म हो जाएंगे, तो मैंने ली थी मेडिसिन लेकिन खत्म नहीं हुए. अच्छा ठीक है बेटा. मैडम से पूछना था, आपको पता नहीं इनका क्या बनेगा, कुछ बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, फिक्र ना करें, हम आपको बताते हैं. थैंक यू आपने कॉल की, हमारा जवाब सुनिएगा. अच्छा, जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं ब्राउन नोज के ऊपर, चीक्स के ऊपर, प्रॉब्ली फ्रेकल्स बता रही हैं कि फ्रेकल्स हैं, सन इंड्यूस्ड होते हैं, यानी कि धूप में जाने की वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम. आपकी बात काट रही हूँ, इसी तरह की एक और ईमेल भी आई हुई, उसको भी हम शामिल कर लें. उनका भी मसला यही है. सना ने रावलपिंडी से कॉल किया था, 20 साल उनकी उम्र है, उनको भी ब्राउन कलर के बहुत सारे तिल हैं लेकिन फेस की एक साइड पे हैं सिर्फ, और वो कह रही हैं कि काफ़ी सारी इलाज करवाया कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और डॉक्टर्स अब कह रहे हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं, तो वो कितना सेफ है, कितना महंगा है, करवानी चाहिए नहीं. अच्छा, तो ये भी ब्राउन तिल वाली बात, तो हमें कोई मशवरा दे. मोस्टली जो बायलैटरल होते हैं यानी कि दोनों साइड्स पे होते हैं, वो फ्रिकल्स होते हैं. जिस तरीके से दूसरी जो हमारी पहले कॉल आई थी जिसमें उन्होंने एक साइड पे बताया है सिर्फ है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि ये किस एज से इनको हुए हैं तिल. अगर तो छोटी एज से थे और वहीं पर रह रहे हैं, बढ़ नहीं रहे उनका नंबर, फिर वो हो सकता है कि कोई नीवस ना हो, यानी कि पैदाइशी कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं कि जिसके अंदर छोटे छोटे तिल लग रहे होते हैं, लेकिन उसके नीचे भी अगर आप देखेंगे तो कलर थोड़ा सा चेंज होता है, यानी कि डार्क होता है, तो वो एक नीवस की फॉर्म होती है. हो सकता है कि वो वाला नीवस ना हो इनको फेस के ऊपर. तो इलाज दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, एक तो सन प्रोटेक्शन करें ताकि उसका रंग धूप से बचे, धूप से बचें, रंग उसका गहरा ना हो धूप में जाने से. प्लस इसके अलावा ये एक एंटी पिगमेंट्री क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, उससे कलर लाइट हो जाएगा, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होंगे. कभी भी फ्रेकल जो है वो सिर्फ दवाई लगा लेने से ख़त्म नहीं होते, ये कॉन्स्टेंटली वहाँ पर रहता है पिगमेंट. धूप में जाओगे तेज़ हो जाएगा, गर्मी आएंगी तेज़ हो जाएगा, सर्दी आएंगी थोड़ा सा कलर लाइट हो जाएगा. लेज़र से ज़्यादा बेहतर है कि आप सिंपल कॉटरी करवा के एक दो तिल को देख लें, जो एक या दो आपके तिल हैं उनको पहले कॉटरी करवा के देखें. कॉटरी बता दें होता क्या है. कॉटरी एक मशीन के साथ हम उसको जला देते हैं, सिर्फ उसी तिल को टिप के साथ करंट के साथ हम उसको जला देते हैं, लेकिन उसमें पेनफुल इतना प्रोसीजर नहीं है. तिल जला जाएगा लेकिन कॉटरी का निशान रह जाएगा. नहीं, कॉटरी यही बात है कि आप एक या दो को इनिशियली करवाएं, बिल्कुल इसीलिए कि आपको सूट कर रहा है वो प्रोसीजर या नहीं सूट कर रहा. अगर नहीं सूट कर रहा तो फिर सारे तिलों को करवाने की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन कॉटरी की जो पिगमेंटेशन होती है वो विद इन 10 डेज 15-20 डेज महीने में बहुत फेंट हो जाती है, बहुत कम हो जाती है. और लेज़र का भी इलाज है, डेफिनेटली लेज़र के साथ भी इसको ट्रीट किया जा रहा है आजकल. अगर तो सेफ हैंड्स में लेज़र तो प्रोसीजर इज़ सेफ, और अगर सेफ हैंड्स में नहीं है तो देन आई वुड से कि थोड़ा सा ध्यान से इतने सारे करके. पैसे लगा के बेटा और एक मसला खड़ा करना मेरा ख्याल में इतना नहीं. अच्छा पता है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक तो टीवी देखने की वजह से ना, और ये जब से बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स हैं सारा वक्त खूबसूरती ब्यूटी इसके ऊपर इतना कर दिए कि बेचारी यंगस्टर्स, मुझे तरस आता है. हमने जब जवानी गुजारी थी तो ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, एक आधा पिंपल निकल भी आया तो कोई बात नहीं चला जाएगा. और अगर आप खुश रहें ना, बहुत ज़्यादा खुश रहें, तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करती है. और खुशी ढूंढने के लिए बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं. एक कॉलर हैं जनाब हमारे साथ, पहले बात सुन लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है. बिल्कुल ठीक जी. तो अकीर भाई कहाँ से कॉल कर रहे हैं. जी राजी सुन के शकरकोट से. जबरदस्त, क्या पूछेंगे. जी मैं डॉक्टर साहब से मालूम करना चाहता कि मेरे चेहरे पर स्किन है, ठीक है, और मैंने डॉक्टरों से चेक कराया तो वो कोई कहता है मेहंदी की टिकली, कोई कहता है जल्द की परेशानी है,
और कोई कहता है शादी करना है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। जिन्स पे क्या है आपके? पहले दाने जो निकलते हैं ना तो उनके जो है सुर्ख दाग लगे होते हैं, ठीक है, खून जमा हो जाता है दानों में, और इसके बाद फिर पीप बन जाती है, पीप नुमा होती है ना वो बन जाती है। तो मैं तो काफी परेशान हूँ, कम अज कम 3 साल हो चुके हैं। उम्र क्या है आपकी? जी? तो फिर आपकी उम्र क्या है, एज क्या है? 21 years बेटा, शादी तो बिल्कुल नहीं करना इतनी यंग एज में। अच्छा आप जवाब सुने हमारा जी। अच्छा एक्नी का ही प्रॉब्लम है यंग एज ग्रुप के लड़के हैं तो इसमें जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि मैदे की तकलीफ है या जी और बाकी जो भी इनको एडवाइसेस मिली है उससे ज़्यादा बेहतर है कि इलाज कर लें एक्नी का एक ही दफ़ा लग के, ठीक, क्योंकि लड़कों के अंदर तो आप आराम। अच्छा, ये लग के वाला जो इलाज है ना, ये बता दें कि एक्नी का इलाज कितने अरसे पे मुहित होता है? कम से कम 3 महीने आपको इसका इलाज करना चाहिए है, जब तक आप कहोगे कि नहीं मुझे ये इलाज सूट नहीं किया। और 3 महीने में एक एक महीने बाद डॉक्टर को चेक करा दें ताकि पता चले कि ताकि वो देखे कि जो एंटीबायोटिक उसने दिया है वो आपको सूट कर रहा है या कोई ग्रुप उसको चेंज करना पड़ेगा या जो दवाई आप लगा रहे हो आपको रिएक्शन तो नहीं कर रही है, वो चेंज कर देते हैं दवाई। और दूसरी चीज़ ये कि लड़कों के अंदर अगर इतनी सिवियर एक्नी है तो ये तो आराम से विटामिन ए के जो डेरिवेटिव यूज होते हैं ओरल फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में विटामिन ए डेरिवेटिव्स यूज होते हैं रेटिनॉइड्स के नाम से अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो बड़े आराम से सेफली ले सकते हैं। अगर इतना ज़्यादा इनका मसला क्रॉनिक हो चुका हुआ है और इतनी ज़्यादा स्कारिंग हो रही है और इतने डॉक्टरों को दिखा चुके हैं तो आई थिंक ये बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं कि अगर हम इनमें रेटिनॉइड्स ट्राई करें। बिल्कुल सही। और